नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। बदायूं के पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष आबिद रजा ने कृषि कानून संशोधन के संबंध में की प्रेस वार्ता। यूपी के बदायूं जिले के पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष आबिद रजा ने कृषि कानून संशोधन के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि जो किसानों के साथ नाइंसाफी की है उस दर्द को आप समझेंगे और वो उम्मीद करते हैं कि आप इंसाफ करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी में रोटी का अहम रोल होता है और रोटी हमें किसान दिन रात एक मेहनत करके अनाज उगाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं होता है, वह पूरे देश से संबंध रखता है। तथा उन्होंने कहा केंद्र सरकार के फैसले से अगर किसान खुश नहीं है तो उस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखें विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, योगी जी सीएम बने, तब से मजलूम गरीब व्यापारियों पे जीएसटी, अल्पसंख्यक परेशान है, एनआरसी सीए, कभी कोरोना का हुआ, कोरोना है भी और कुछ कोरोना से डराया भी जा रहा है और अपनी बहुत सारी खामियों को छुपाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। आज देखिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता आजम का पूरे परिवार समेत जेल में है, 100-100 मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको जेल से आने में बहुत रोड़े लगाए जाते हैं। तो विपक्ष को सब चीज़ों पे मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। आज किसान के लिए उठा रहा है, मेरी तो दरख्वास्त है पूरे विपक्ष से कि आजम खां की रिहाई के लिए, लालू यादव की रिहाई के लिए भी लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। आज किसानों के हक में है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है और ये बहुत शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसको किसान, अल्पसंख्यक, व्यापारी, मजदूर, मजलूम, छात्र सबके हक में सोचना चाहिए। आज जो केंद्र सरकार फैसला लाई और नया कानून बनाया, उसका कहना है कि किसानों के हक में है और जब किसान उससे संतुष्ट नहीं तो ऐसा कानून लाने से क्या फायदा। जो किसान चाहता है वो होना चाहिए।